अध्याय 10 पंच का न्याय। भूमिका। धनपुरा गांव में धीमन काका और जुम्मन चाचा गहरे मित्र हैं। जुम्मन चाचा अपनी पत्नी और मौसी के साथ रहता है। जुम्मन और उसकी पत्नी बूढ़ी मौसी को डांट रहे हैं और मौसी रो रही है। ये बुढ़िया ना जाने कब मरेगी। थोड़ी सी जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद लिया। जितना रुपया इसकी दवाई रोटी में लग गया है, उतने में तो हम पूरा गांव खरीद लेते। तुम सही कह रही हो, मगर अब कर भी क्या सकते हैं? बेटा चुम्मन, हम सब मिलकर रहे ये अब मुमकिन नहीं। तुम लोग मुझे इस घर में रहने के लिए कुछ पैसे दे दिया करो, ताकि मैं स्वयं अपना पेट भर लिया करूँगी। अरे ये घर तुम्हारा कब से हो गया मौसी? एक तो यहाँ रह रही हो, ऊपर से पैसे भी मांग रही हो। अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अगर तुम लोगों ने मेरी जमीन मुझे वापस नहीं करी तो मैं पंचायत में जाऊंगी। शाम के समय मौसी पंचों के पास पहुंच जाती है और पांच पंच जुम्मन और उसके मौसी के पक्ष विपक्ष को सुन रहे हैं। पंचों, 3 साल पहले मैंने अपनी जमीन जुम्मन को इस उद्देश्य से दी थी कि ये बदले में मुझे रोटी और कपड़ा देंगे, मगर इतने साल बीत जाने के बाद भी ये लोग ना मुझे कपड़ा देते हैं ना ही रोटी। अब आप लोग ही मेरा इंसाफ कीजिए। आप हम पंच पंचों में से किसी एक का चुनाव न्याय कर लीजिए, जो वही आपके लिए हितकर होगा। मैं अपने लिए धीमन का चयन करती हूँ, वो जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। जुम्मन और उसकी पत्नी आपस में गुपचुप तरीके से पंचों के आगे बात करते हुए। बहुत बढ़िया, ये धीमन तो मेरा मित्र है, देख लेना ये मेरे ही पक्ष में फैसला करेगा। मुझे तो इसमें भी इस बुढ़िया की कोई चाल नजर आती है। अरे पागल औरत, देख लेना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। धीमन काका दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला पंचायत में सुना रहे हैं। मौसी ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है, इसलिए जुम्मन को हर महीने मौसी को तय राशि देनी होगी। यह न्याय नहीं है धीमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीने पश्चात धीमन के 2 बैलों में से एक बीमार पड़ गया और दूसरा बैल धीमन बेचना चाह रहा था। भाई धीमन, सुना है तुम अपना बैल बेच रहे हो? हाँ, यदि कोई मेरी शर्तों के अनुरूप खरीदे तो। क्या शर्त है तुम्हारी? जो भी मेरे इस बैल को खरीदेगा उसे 1 महीने के अंदर बैल का सारा मूल चुकाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारा यह बैल खरीद लेता हूँ। साहूकार बैल खरीद कर अपने घर ले गया। कुछ दिन पश्चात धीमन का साहूकार के घर आना। साहूकार भैया, मेरे बैल का दाम चुका दो। कौन सा बैल? वही जिसे तुम मेरे घर से ले आए थे। अरे वो तो कब का मर गया। क्या मर गया? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे बैल की रकम चाहिए। जाओ, नहीं देता, जो करना है कर लो। मैं पंचायत में जाऊंगा और अपने बैल का दाम तुमसे लेकर रहूंगा। धीमन ने पंचायत बुलवाई। पंचायत में इस बार जुम्मन चाचा पंच पंचों में से एक पंच है। कहो धीमन, तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे अपने बैल का दाम साहूकार से अभी तक नहीं मिला, जो कि साहूकार की तरफ से 1 महीने के भीतर देना तय हुआ था। नहीं, यह गलत है। धीमन ने मुझे बीमार बैल बेचा था, जिस कारण वो घर ले जाते हुए रास्ते में ही मर गया। अब ऐसे में जब बैल नहीं रहा तो किस बात का मोल? कहो धीमन, किसे अपना पंच चुनते हो? साहूकार ही किसी पंच का चयन कर ले, मुझे उसी पंच का न्याय मंजूर होगा। मेरी तरफ से जुम्मन चाचा न्याय करेंगे। क्या जुम्मन? खैर, मुझे उम्मीद है कि पंच की गरिमा को जुम्मन बनाए रखेंगे। सभी पंच आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और अंत में जुम्मन अपना फैसला सुनाते हैं। सभी पंचों ने अपना फैसला धीमन के पक्ष में दिया है, इसलिए साहूकार को धीमन के बेल का दाम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब साहूकार को बेल बेचा गया था उस समय वह स्वस्थ था। पंच परमेश्वर की जय हो।